तो अभी प्रेस क्लब में मैं हर चीज़ आपको दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ काम करने में पहले, इसलिए मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड ही कर सकता हूँ, लेकिन बिहाइंड द कैमरा थोड़ा ट्राई करूँगा बनाने की। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा नरवाल में, पहले ही काम है वहाँ पर, बाद में फिर से जाना, बट पहले जाएंगे काम से, उसके बाद जाएंगे अपनी गाड़ी को लेके। तो उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम त्रिकुटानगर जाना है इसके बाद, फिर ट्रांसपोर्ट नगर तो पहले जाएंगे, उसके बाद फिर त्रिकुटा नगर चलेंगे, देखते हैं जो भी पहले करना है। तो चलते हैं आपको पूरी दिल्ली अपनी डे लाइफ दिखाएंगे आज। तो अभी पूजा की स्कूटी कितने कितने बची, इसको टाइम पड़ गई थी। तो अभी मैं हूँ त्रिकुटा नगर, यहाँ पीछे मेरे देखो प्रोटेस्ट चल रहा है, दो तीन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। और हम यहाँ से अब जाएंगे नरवा ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पर भी कवरेज है वो करेंगे, फिर आपके साथ आगे जाकर बात करेंगे। तो नरवाल आए थे तो पहले पूजा कह रही मेरी स्कूटी का पोल्यूशन करा, 2 साल से नहीं कराया, तो वो करा रहे थे इसकी स्कूटी का होगा यहाँ पोल्यूशन, स्टार्ट कर दिया स्कूटी, क्या नहीं दिखाना, क्या हुआ नहीं। वो मैं नहीं दिखाऊंगा। अजी भैया मोबाइल नंबर बोल। तो ये अभी कराएंगे यहाँ से, फिर हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, वो बंदा मिल ही रहा हमें, तो अभी यहीं पर कहीं ढूंढना है हमें उसको। नाम क्या था पूरे जिसे मिला हमें, कक्कड़ साहब मैंने कक्कड़ साहब ही बोला, पानी कहाँ है कहाँ नहीं, इसकी पोल्यूशन करा लेंगे। छुपा रही क्या, वैसे 1 साल के बाद पोल्यूशन करा रही है, ये छुपा रही टैक्स वाले, देख लो 1 साल के बाद कराया तो 1 साल का चला ले लो उसे। हाँ नया वाला गुम हो गया है, माँ के झूठा गुम हो गया है, तो ये सब झूठ है, कोई गुम नहीं से कराया नहीं था इसने, इसको आप मिट्टी कर दो। नहीं नहीं पहले कक्कर साहब को ढूंढे थे, कक्कर साहब पता नहीं कहाँ पे, उनको ढूंढेंगे, वाइट करेंगे, चलेंगे यहाँ पे। बस अभी इसका पोल्यूशन होने वाला है शायद, ये आ गए भैया बाहर, कर दे भैया स्कूटी बंद, फिर से फोटो खींचेंगे, एक बार खींच के लिए फोटो खींच रहे हैं स्कूटी की। उसका नंबर नहीं आ रहा है कहीं, देखिए नंबर नहीं आता है, ये देख रहे स्कूटी थोड़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा इतना टाइम लगता नहीं है ऐसे। तो साल हो गया पोल्यूशन, स्कूटी कहते हैं पोल्यूशन होने ही दूंगी हो ही नहीं रहा। अभी फाइनली चले गए भाई साहब यहाँ से, फोटो खींच लिए, अभी मेरे में पोल्यूशन बहुत भरा है, नहीं भरा है पोल्यूशन, बहुत भरा है पोल्यूशन, पोल्यूशन भरा हुआ है, पोल्यूशन हो नहीं रहा, लाइफ टाइम भर दिया, हो गया जी फाइनली, हो गया पोल्यूशन हमारा। कितने पैसे हो भैया, जाओ पैसे देखिए स्कैन बार कोड, वो लगा मेरे पास चेंज चूंज नहीं है, मेरे पास चेंज, मेरे पास चिल्लर भी नहीं है, जब वो सामने स्कैनर लगा जिसमें 10-10 रुपये का ठीक है, कहाँ जी कर बंद, हाँ तो ऑन रखी पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन जब करना था उसमें ऑन रखने, देखो कितने पैसे हैं उसके पास। ओहो मेरे को कुछ मिल गया है, मिल छिल नहीं गया, ये मेरा नहीं है। ओहो जिसका भी है अब मेरे काम आएगा, जल्दी करवा क्या पेमेंट अपनी। चलो जब हो गया पूजा का पोल्यूशन स्कूटी का, पूजा की स्कूटी का पोल्यूशन हो गया, तो अब हम यहाँ से जाएंगे इधर नीचे कहीं रोड पे कह रहे हैं कक्कर साहब की दुकान है, अभी यहाँ के सेक्टरी हैं, उनकी बाइक चलेंगे 80 रुपये लिए, महंगा हो गया होगा ऐसे, 60 रुपये लेते हैं, 50-60 रुपये। अच्छा ये पूजा करने का 80 रुपये का, 80 रुपये का पोल्यूशन कैसे हो गया, 2 साल के बाद कराया ना, लेट भी डाल दी होगी। चलो फिर चलें, चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे आगे जाके बात करते हैं। देखो पूजा की स्कूटी से कुछ चोरी करके निकाला, मैं छुपा के रख दी थी, बड़ा पूजा बड़े चल इसका ना मन कर रहा खाने का, मिलना नहीं है इसको, अब चीज ना खाई नहीं तो खा, मैं डब्बी घर लेके जाऊँगा, ऐवे क्या मेरी होगी, नहीं नहीं तो खा मैं खाऊँगा, बंद क्यों कर रही है, देना मेरे को चल, अभी टिक्की में डाल दूँगा। फाइन
फैमिली हाँ मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, उसने कोई गिफ्ट दिया इसको गैस की प्रॉब्लम हाँ गिफ्ट दिया था। थैंक यू। तो नरवाल से वापस आ गए हैं हम त्रिकुटा नगर बीजेपी ऑफिस के बाहर। तो यहाँ पे अब हमने पहले करना है इंटरव्यू आरएस पठानिया जो एमएलए रहे हैं हमारे, और पूजा को टेंशन पड़ गई। पूजा क्या घूम गया? पूजा का एयरिंग घूम गया पूजा का एयरिंग घूम गया। और कितने का था? चले आज जितने का भी था, 50 रुपये के 50 रुपये के एयरिंग के पीछे से 200 रुपये का तेल घूम गया था। चलो नहीं मिला तो इसको कटे जाके बैठा हुई ना बीजेपी ऑफिस में। अभी आरएस पठानिया से आएंगे, इंटरव्यू करेंगे बीजेपी का ऑफिस नवरत्न एडगेट हो गए। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा ऑन नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो अभी हमने आरएस पठानिया साहब का इंटरव्यू कर दिया है, तो अब यहाँ से हम जाएंगे प्रेस क्लब। प्रेस क्लब जाके काम शाम देखते हैं वहाँ पे कोई है कि नहीं है, नहीं होगा तो फिर अपनी गाड़ी लगाने जाना सिर्फ मैकेनिक के पास, वो लगा के वापस प्रेस क्लब आएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। जो प्रेस क्लब पहुँच के बात करते हैं बाकी ठीक। तो अब मैं निकल रहा हूँ प्रेस क्लब से, नींबू कावा वगैरह पिया यहाँ से। अब जाएंगे हम नरवाल, वहाँ पे देंगे गाड़ी सर्विस के लिए, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी नरवाल तो पहुँच गया हूँ मैं, तो नंबर उसका था नहीं जे जी के पास, तो किसी से नंबर तो वैसे मैंने ले लिया उसका। लगा 3 नंबर यार्ड में, बट 4 नंबर में, अभी 4 नंबर यार्ड में उसको ढूंढूंगा जाके। यही है शायद 4 नंबर, हाँ 4 नंबर यार्ड तो यही है शायद। उसकी गाड़ियाँ भी लगी हैं तो फिर यहीं पे होगा बंदा वो। तो देखते हैं, पूछते हैं कितना खर्चा आता है, क्या है क्या नहीं, गाड़ी चेक करानी है उसको करा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी मैं निकला हूँ नरवाल से, गाड़ी शाड़ी चेक करा दी मैंने सारी, थोड़ा है सस्पेंशन का काम है और गियर की रॉड का थोड़ा सा होना है। तो वो कहते हैं कि कल अभी टाइम नहीं है, सुबह लगा देना गाड़ी है। तो सुबह वैसे ही मैंने यहाँ पे आना है कवरेज के लिए, तो तभी गाड़ी ले आऊँगा यहाँ पे लगा दूँगा, तो कल दूँगा शाम तक शायद मिल ही जाएगी। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से प्रेस का, वहाँ लगा दूँगा गाड़ी, फिर वहाँ से पूजा का स्कूटी पर चल जाऊँगा मैं ऑफिस। तो फिर ऑफिस पहुँच के आज सोनू भी ऐसे कप्पे मारेंगे, बड़े दिन हो गए सोनू भी ऐसा बैठे हुए। अभी संडे आ गया, सैटरडे आ गया, सैटरडे को संडे, कल भी ऑफिस की मीटिंग थी तो कल मिल नहीं पाए थे। तो अभी जा रहे हैं हम नहीं, मैं ही जा रहा हूँ अभी प्रेस क्लब। आज भूख ही लगी, खाना लाया नहीं आज, तो कुछ ऑफिस जाते हैं कुछ दे देंगे, ऑफिस जाके फिर खाएंगे। तो फिर और आज सच एक चीज़ और है, अभी एक चीज़ और कवर करने जाना है, जो मैंने हसल दिखाई थी आपको एक दो ब्लॉग में पहले, एक और बीरबल वो वाला प्ले आज ही है, तो वो जाऊंगा थोड़ा सा, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। हाँ यहाँ से मैं जाऊंगा प्रेस क्लब, प्रेस क्लब से चल जाऊंगा अभिनव थिएटर, फिर वहाँ से अभिनव थिएटर से उसका थोड़ा करके फिर डायरेक्ट हम जाएंगे दफ्तर, फिर दफ्तर में करेंगे काम और आपसे बात। ठीक है, तो तब तक जुड़े रहो ब्लॉग के साथ ना। ओके, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ प्रेस क्लब पीछे एग्जीबिशन ग्राउंड में, यहाँ पर लगा दी गाड़ी, आज इसको यहीं रखेंगे। तो सुबह यहीं से ले जाऊंगा डायरेक्ट नरवाल में, क्योंकि सुबह जाना है कभी से तभी ले जाऊंगा। तो अभी पूजा के साथ जाऊंगा यहाँ से ऑफिस, फिर ऑफिस जाके काम शाम करके सोनी से गप मारेंगे और फिर आपसे भी बात करेंगे। धुंध बड़ी जल्दी हो गई है, 5 बजे धुंध पड़ने शुरू हो गई है, कल थोड़ा लेट पड़ी थी, जल्दी पड़ रही है, चलो धुंध का है पड़नी चाहिए, धुंध। तो अभी चलते हैं फिर ऑफिस पहुंच के बात करते हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूं ऑफिस, आई यहाँ पे आग चाहिए सिंह जुलाई नहीं है, धुंध बड़ी अच्छी पड़ रही है, तो अभी ऑफिस जाएंगे हम सब लोग, मिलेंगे। सोनू सर, हाय सर, क्या है सर? अभिषेक बोला नहीं, मैं वॉच पर दे रही हूँ। ओके पूजा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या हाल चाल? हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो सर? लोग मैं तो खाऊंगा, तू क्या खाएगा? जो सोनू भैया खाएंगे, और सोनू भैया लाइट लगाओ ना, नहीं रहे में लोगों को दिखा रहे हैं। तो अभी निकला हूँ ऑफिस से, जाएंगे घर, मस्त वाली धुंध पड़ी है, देखो पहले देखने की लाइट थोड़ी ज़्यादा ना, थोड़ी कम करते हैं। हाँ तो फिलहाल पड़ी है धुंध, और आ जाएंगे पैदल यहाँ से घर ना,
पर तो सोचता किसी को बोलूँगा छोड़ दे, पड़ता है यार धुंध देखी तो धुंध पे पैदल चलने का अपना मज़ा है। तो घर चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खाते हैं फिर देखते हैं मम्मी ने बनाया क्या क्या नहीं, फिर बात करते हैं। मम्मी का सिफारिश भी है भुगेगा, तो चलो चलते हैं घर पे, गाने लगाते हैं, गाने सुनते सुनते चलते हैं घर। ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दादा, आप कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो गए? तो रात को जब ऑफिस आया तो ब्लॉग बना नहीं पाया था, बिल्कुल बिजी हो गया था। तो अभी रेडी हो गए हैं हम ऑफिस के लिए, तो अभी जाएंगे यहाँ से ऑफिस, फिर क्लब, फिर जाएंगे अपने काम पे। और आज मस्त वाला मौसम है, ठंड भी अच्छी वाली है और बारिश का चांस भी पूरा पूरा है। तो कल जैसे मम्मी ने रखा था फास्ट भुगेगा, तो वो मैं बिजी हो गया तो दिखा नहीं पाया, कैसे हालत थोड़ी बुरी हो जाती है उनकी, बट अभी ठीक है। तो अभी खाना शाना खा के निकलेंगे काम के लिए, फिर आपसे बात करते हैं। कल ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या बनाया आज, फिर ब्रेकफास्ट भी खिलाते हैं आज आपको। अब ब्रेकफास्ट क्या कराना है आपने? ये फुलके बनने पनीर परांठा हो गया। ये सिर पे क्या लगाया है? सिर पे मेहंदी लगाई। अच्छा अच्छा, सिर पे कल अच्छा। तो देखो बनाया क्या फिर ब्रेकफास्ट में? अभी फुलका और दाल। दाल चलो ठीक है, खा के फिर निकलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं प्रेस क्लब में, स्कूटी लगाई यार मेरे पीछे, देखो सारी आग सेक रहे हैं, मेरे को ठंड लग रही है बड़ी ज़्यादा। तुम्हें कलर ब्लॉग डाला है? नहीं मिला ना यार, उन फौजियों को भी मैं दूसरे के चल चले अभी चले। तो अभी जाएंगे हम नरवाल, वहाँ पे पहले गाड़ी लगाएंगे सर्विस के लिए, और वहीं पे फिर उसके बाद में गाड़ी देखेंगे, तो स्कूटी पूजा मेरे लिए चलेगी। तो फिर वहाँ से हम कवरेज करके फिर निकलेंगे। फ़ोन आ रहा है किसी का, देखते हैं किसका है, जा रहा है फिर मैं करता बाद में बात। तो अभी जा रहा हूँ गाड़ी के पास, देखूँ गाड़ी चल ठीक है नहीं, रात को तो लगाई थी मैंने, तो उसके रात को नहीं कल शाम को लगा के गया था मैं, तो अभी यहीं लगी हुई, मैकेनिक का ही फ़ोन था। तो ये गाड़ी लगी है, तो अभी जिनके पास जाना है नरवाल उनका भी फ़ोन आ गया था, गाड़ी हाल तो बड़ी गंदी हो गई है। चलो फिर नरवाल पहुँच के बात करते हैं। तो गाड़ी वगैरह दे दी, नरवाल की स्टोरी हमने कर दी, क्या टाइम हुआ कह देना? टाइम है 12:51। एक घंटा लग गया हमें एक स्टोरी करने में, अब यहाँ से जाएंगे डिगियाने, फिर वहाँ पे स्टोरी करेंगे, फिर वहाँ से निकलते हैं ड्राइव करने। तो अभी मैं आया हूँ स्टोरी करने के लिए डिगियाने में, और यहाँ पे लोग बोल नहीं रहे क्योंकि यहाँ की कॉर्पोरेटर की कोई 2 साल पहले डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अभी यहाँ पर कोई बोलने वाला मिल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कोई बोलने वाला मिले, वैसे तो मेरी बुआ का घर भी यहाँ पर, मेरे को पता वो बोलेंगे नहीं, और उनके मोहल्ले में कोई होगा नहीं जो बोलेगा। तो अभी एक दो किया फ़ोन, एक दो बंदों को देखता कोई आता है तो बोलता है यहाँ के बारे में कि नहीं, फिर यहाँ से निकलेंगे तभी पुल के ऊपर। एक अपडेट देना है, कुछ करना नहीं, अपडेट देना है, फिर वहाँ से प्रेस कर जाएंगे। तो चलो पहले यहाँ पे काम करते हैं, काम करने की परेशानी आती है, पिछले 15 मिनट से ढूंढ रहे हैं, कोई बोलने वाला मिल नहीं रहा है, फ़ोन भी किए 2 दिन को, 4-5 के बाद घूम भी आए हैं, तो कोई आ नहीं रहा है बोलने के लिए। तो देखते हैं, आ तो जाएगा कोई ना कहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आज नहीं आया तो फिर अरेंज करने पड़ेंगे बंदे से, कल पूछते हैं कुछ, देखते हैं अभी पहले अभी ट्राई तो करें। 2-4 बंदों से बात कर ली, एक दो बंदे को फ़ोन किया, अब कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, तो देखते हैं अभी। तो फ़िलहाल तो यहाँ कोई बोलने वाला मिला नहीं है, और जिसको फ़ोन किया था एक दो वो भी कोई आया नहीं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से आज हम निकलेंगे, फिर नेक्स्ट डे किस दिन आएंगे यहाँ पे, थोड़ा पहले तैयारी करनी पड़ेगी उस दिन, तो उसके बाद आके फिर से यहाँ पे जो है हम कवरेज करेंगे। तो अभी चलते हैं, तभी वाले पुल पे एक अपडेट देना है वेदर को लेके, वो करेंगे। फिर प्रेस क्लब वालों ने आग वहाँ पे प्रेस क्लब में आग शायद लगाई है, वहाँ पे हाथ थोड़े हाथ शायद गर्म करेंगे, ऐसे तो इतनी ठंड मेरे को लगी नहीं, लेकिन स्कूटी पे उस पर ठंड लगी, ऐसे हाथ शायद वहाँ गर्म करेंगे, फिर बात करेंगे आपसे। विशाल सर यह पूरा पेड़ काट के लगा दिया नहीं, फोरकास्ट हमारे साथ भूल गया था मैं, ये हमारे मिस्टर फोरकास्ट सर, क्या इस साल अपडेट क्या है अभी का इस महीने का?
देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले फोरकास्ट कर दिया है और मैंने बता दिया लोगों की बारिश आज और 13 तारीख तक जो है वो बारिश रहेगी। अच्छा, तो आग तो मैंने पहले ही जला के रखी है, तो जो कोई भाई मित्र जो कोई कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम, आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूट कोई नहीं है, ये 1.5 किलो मूंगफली की तो बात है यार, वो सोचेंगे हम, नहीं सोचेंगे क्या, आप करो बस, आप करो बस, अभी आ रही है ऑर्डर, बाकी रेस्ट थिंग्स वी विल मैनेज। ठीक है चलो, ये वो मैनेज हो जाएगा। तो अब काम शाम फील्ड वाला हो गया खत्म, अब जाऊँगा यहाँ से ऑफिस, तो भूख ही लगी है तो ऑफिस जाके खाना शाना खाते हैं, दाल फुलके सोनू के लिए बढ़ता है तो वो जाके खाएंगे। फिर एक सोचा है कि मम्मी को घर पे एक सरप्राइज़ दूँ, सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो फाइनली ऑफिस पहुँच गया हूँ, एक बिल्कुल खाने का टाइम हमारा बड़ा लेट हो जाता है। Oh my God, कहाँ है सोनू भैया? सोनू सर क्या ये क्या है, ये कहाँ से बदतमीजी सीखी है आपने, ये देखना मेरे बिना खाना बैठ गया। आपकी मैडम कहती है उसने आना नहीं, उसने किसने कहा नहीं आना, मैडम ने इधर खाना खाने बैठ गए हो क्या यार? सोनू भैया बेइज्जती कराते हो यार मेरी, इसकी बातें पूजे की बातें सुन रहे हो क्या यार? ये सोनू सर ने करा दी बेइज्जती, वेट वुट किया इधर खाना खा के बैठ गए इधर, मैं पागल हूँ मैं खाना लेके आया। तो अभी एक मैंने जो कहा सरप्राइज़ देना है मम्मी को, तो अभी ऑफिस में काम शाम करके थोड़ा निकल के जाऊँगा, जो सरप्राइज़ क्या है क्या तो इस ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगा, अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो तब तक जुड़े रहो ब्लॉग के साथ, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो क्या था मैं भी निकल जाऊँ ना ब्लॉग ये वाला एडिट करके, तो क्या था नेक्स्ट ब्लॉग में उसको दिखाऊँ, अगले जाएंगे जो कल ब्लॉग आएगा, तो तब तक आप देखते रहो जबावा टीवी।